तो हेलो गाइस, विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। भाई कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। तो भाई आज आप लोगों के लिए जो है मैं लेकर आया हूँ इस गाड़ी का रिव्यू। भाई 1 महीना मुझे इस बाइक को चला चलाते हो चुका है, बाकी 1 महीने में मुझे क्या बाइक कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। भाई बाकी भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि 125 cc में भाई अगर आप कोई बाइक लेना चाह रहे हो या फिर NS के बारे में सोच रहे हो ना भाई, NS लेने के बारे में, तो भाई बिल्कुल ज़्यादा मत सोचो, ले लो भाई, क्योंकि इससे बेस्ट बाइक ना मेरे हिसाब से कोई और नहीं है। भाई इससे पहले ही मैंने 125 cc बाइकें चला रखी हैं, पर उसमें उतना मज़ा नहीं आया भाई मेरे को बिल्कुल भी। जब इसको चलाता हूँ ना भाई, मैं पहले कोई और 125 cc बाइक चलाता हूँ उसके बाद इसको चलाता हूँ ना भाई, तो मेरे को अलग ही पावर से फील होती है भाई। ऐसा लगता है जैसे मैं 160 पे बैठ गया हूँ 125 की जगह पे, ऐसा लगता है भाई। बाकी क्या तो लुक दिया भाई बजाज ने भी भाई, 125 cc मैंने कमाल कर दिया भाई, इतनी अच्छी बाइक दे दी है 125 cc में जिसकी कोई वो नहीं है भाई। मतलब तो भाई सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे मीटर से, है ना, इसके कंसोल से। तो भाई ये रहा इसका कंसोल भाई, यहाँ पे पेट्रोल भी दिखा रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल भी दिखा रहा है ना। और भाई बाकी आधा एनालॉग मीटर दिया हुआ है, आधा डिजिटल मीटर दिया हुआ है भाई। यहाँ पे ये टाइम भी शो करता है, यहाँ पे किलोमीटर वगैरह शो करता है ना। और यहाँ पे टोटल ऑडोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ना। और यहाँ पे भाई RPM मीटर दिया हुआ है। भाई मैंने जितनी बाइक चलाई है अभी तक उसके हिसाब से ना भाई, ये अभी ना भाई मुश्किल से 10,500 RPM तक गई है भाई मेरी बाइक। यहाँ पे RPM लिमिट दी हुई है भाई, लाइट दी हुई है ना। और बाकी टाइम वगैरह अगर आपको सेट करना है मीटर को, ट्रिप वगैरह करना है, तो इससे आप क्या बोलते हैं माइनस प्लस कर सकते हैं, दोनों बटन दिए हुए हैं भाई, MS लिखा हुआ है इन पे, है ना। बाकी आपको छोटी छोटी सी लाइट्स यहाँ पर मिल जाती हैं, सारी चीज़ों की फंक्शनिंग जो लाइटें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं, है ना। और इसके साथ ही भाई पावर बटन यहाँ साइड में दिया हुआ है। पावर बटन को आपको भाई जब भी आप गाड़ी बंद कर रहे हो ना, आपको बंद करके रखना है। अभी ये बंद है, ये ऑन हो गया भाई। इसको जब भी आप बाइक को बंद करते हो ना भाई, कहीं से आ रहे हो जा रहे हो, बंद करिए आपने बाइक, तो पावर बटन को आपको ऑफ रखना है हमेशा, क्योंकि अगर आप पावर बटन को ऑफ नहीं करेंगे भाई तो बाइक की बैटरी जो है डाउन हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप धक्का लगाएंगे गाड़ी में। हालांकि धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई अपनी बाइक में ना भाई किक दिया हुआ है ना। बाकी नीचे बड़ा ही प्यारा सा भाई ये ग्रिप वाला भाई जो है सेल्फ का बटन दिया हुआ है भाई। और इसके साथ ही यहाँ पे भाई हॉर्न का बटन दिया हुआ है, बड़े ही प्यारे से इंडिकेटर के बटन दिए हुए हैं भाई, है ना। ये ऊपर अप डाउन लाइट का बटन है भाई, और इसके साथ ही ये पासिंग लाइट का बटन है भाई, जो कि बड़े ही प्यारे से काम करते हैं भाई, है ना। और लाइट देखिए आप लोग, बड़ी मस्त सी लाइट है भाई, दोनों तरफ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं बेहतरीन, छोटे छोटे से, मतलब ज़्यादा बड़े तो नहीं है पर अच्छे इंडिकेटर्स हैं भाई, है ना। और भाई बाकी लुक की तो मैं क्या ही बोलूँ, लुक तो एक नंबर है गाड़ी का भाई, सेम 200 cc वाला लुक इसमें दे दिया है बाइक में भाई, तो लुक का कुछ नहीं कहना है कोई, है ना। बस थोड़ा सा हाँ ये है कि 125 cc में मेरे को टायर थोड़ा सा पतला लगता है भाई, है ना। 100x19 का इसमें टायर दिया हुआ है भाई, सॉरी 100x90 का टायर इसमें दिया हुआ है भाई, पीछे वाले व्हील पे लगा हुआ है जो। और इससे पहले जो 160 NS आया करती थी ना भाई, उसमें भी यही टायर यूज़ किया जाता था सेम, बट सच बताऊँ तो मुझे ना थोड़ा सा पतला लग रहा है भाई। तो जब भी ये ख़राब होगा तो अपन इसमें नया वाला मोटा वाला टायर लगवाएंगे थोड़ा सा, ताकि लगे देखने में कि हाँ थोड़ा सा हैवी बाइक जा रही है, मतलब है ना। टायर की वजह से ना भाई थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बाइक ना मात खाती है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आ पाता कि भाई 125 cc है या 160 cc है, समझ नहीं पाते हैं तो और भाई यहाँ पे इसके साथ ही बड़े ही प्यारे से शाकअप दिए हुए हैं टेलीस्कोपिक अपने शाकअप में, और शाकअप पे भाई ये रिफ्लेक्टर्स बड़े प्यारे दिए हुए हैं, उस साइड भी है इस साइड भी, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। ये भाई रिफ्लेक्टर्स इस काम आते हैं कि भाई अगर आप रात में कहीं से जा रहे हो, रात में अगर आपकी लाइट वगैरह बंद भी है और अगर सामने वाले की लाइट जल रही है, तो उसकी लाइट इस पर पड़ेगी और वो सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं भाई सामने से भी एक बाइक आ रही है ना, ये उसके लिए। बाकी ये भाई रेडिएटर ग्रिल दी हुई है भाई, हालांकि इसमें रेडिएटर वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ शो के लिए है ना, पर अच्छा लगता है भाई देखने में, है ना। और भाई छोटी सी एक प्यारी सी अंडरबेली दी हुई है, यहाँ पे आपको इंजन के ऊपर DTSI ट्विन स्पार्क का जो है बैजिंग मिल जाती है इंजन के ऊपर ही भाई, है ना। और बड़ा ही प्यारा सा भाई सिंगल एक सस्पेंशन आपको मिल जाता है यहाँ पे, है ना, बीच में बिल्कुल सेंटर में स्विंगआर्म के बीच में, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है भाई सिंगल सस्पेंशन देखने में बाइकों में। और भाई बाकी बाइक बड़ी ही प्यारी सी है ना। इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं, इंजन के इस साइड भी आपको बैजिंग दी हुई है बजाज की भाई, बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे गियर के बारे में बताया गया है भाई, फर्स्ट न्यूट्रल, पहले फर्स्ट, फिर न्यूट्रल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह, वो तो आप लोगों को सब लोगों को पता ही होगा। और सबसे मेन चीज़ भाई, एक और चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ दी हुई है, ये जो आप टोंटी देख रहे हैं ये घुमाने के लिए, ये जो बटन है ना भाई, ये आजकल 100 cc बाइकों में भी नहीं दिया जा रहा है, ये भाई सिर्फ रिज़र्व और ऑन ऑफ का बटन है ना, जो कि कई बाइकों में नहीं दिया जा रहा भाई। बट ये अच्छी चीज़ है जो इसमें बाइक में दिया हुआ है, कभी अपन अपनी बाइक जो है अगर रिजर्व में लग भी जाती तो अपन रिजर्व में लगा सकते हैं, मतलब बाकी अदर बाइकों को अपन रिजर्व में लगा ही नहीं सकते भाई, पेट्रोल कब एंड हो जाएगा अपन को पता नहीं चलने वाला है ना। ज़्यादा खास कुछ बताने के लिए है नहीं, हालांकि जितना मुझे पता था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भाई।
तो बाकी मेरा मन कर रहा है भाई कुछ टाइम बाद अपन यहाँ पे ना 125 लिखवा के 160 करवाने वाले हैं या 200 करवाने वाले हैं भाई, क्योंकि भाई अदर बाइक के कंपैरिजन में ना मेरे को कभी लगता ही नहीं कि मैं 125 सीसी बाइक चला रहा हूँ। वैसे मजाक कर रहा हूँ, 200 में नहीं करवाऊंगा उसको, 125 भी बहुत अच्छा है ना। जब अपन 200 ले लेंगे तो 200 तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बाकी भाई बढ़िया बाइक है, अच्छी बाइक है, अगर आप लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी देर मत करना, जल्दी से जाओ और जाके भाई ख़रीद लो भाई, है ना। तो भाई बाइक को मैं आप लोगों को थोड़ा सा चला के बताता हूँ, टॉप स्पीड तो चेक नहीं करूँगा, पर हाँ पहले दूसरे या तीसरे गियर की आपको टॉप स्पीड थोड़ी चेक करके बता दूंगा, ताकि आपको भाई गाड़ी के पावर के बारे में थोड़ा सा पता चले, गाड़ी के पिकअप के बारे में आपको पता चले, है ना। तो चलिए फिर थोड़ा सा चला के देखते हैं इसको, है ना। हालांकि मैंने तो चला रखी है, बट आप लोगों को बताने के लिए फिर से चलाऊँगा इसको और अच्छे से अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ना भाई, गाड़ी के मीटर की लाइट जो है ऑन हो जाएगी, वैसे ऑफ रहती है भाई। तो गाइस यार पावर तो आप लोगों को, मतलब आप लोगों को कहीं से भी ये फील नहीं होने वाला भाई कि आप 125 सीसी बाइक चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल आप जा सकते हो इस बाइक की तरफ भाई, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, मैं सबकी बाइक की नहीं, सबका बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को राइडर पसंद होगी, कई लोगों को शाइन पसंद होगी, कई लोगों को लीवो पसंद होगी, सब लोगों की अलग अलग पसंद होती है भाई। देखिए बाकी मैंने चलाई ना, जब सारी गाड़ी मैंने चलाई तो मेरे को ये बाइक ज़्यादा पसंद आई भाई। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, इसकी सीट हाइट भाई, कई लोगों को सीट हाइट का बड़ा इशू होता है भाई। मेरा एक दोस्त है, उसको भी NS लेना है 125 CC, बट वो नहीं ले पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम है उस भाई, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है भाई इस बाइक को चलाने में, हैंडल करने में, क्योंकि सीट हाइट काफ़ी ऊंची है और थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है भाई, क्योंकि इतना अच्छा मॉडल दिया हुआ है 125 CC में, तो बाइक थोड़ी सी क्या हैवी हो जाती है। क्या अगर आप लोगों की हाइट कम है और आपको बाइक अच्छे से चलाना नहीं आती है, तो भाई आप NS ना लीजिए, कोई और बाइक ले लेना, राइडर ले लीजिए आप। राइडर की भाई सीट हाइट जो है ना, इससे काफ़ी कम है भाई, 5 फीट के हाइट, 5 फीट हाइट वाले बंदे के भी भाई पाँव ना पहुँच जाएंगे आराम से इजीली। इस बाइक पे मैं जब बैठता हूँ ना भाई, तो मेरे पाँव आधे आधे टच होते हैं सिर्फ, पूरे मेरे टच नहीं होते हैं। जब राइडर पे बैठता हूँ ना तो पूरे टच हो ही जाते हैं, उसके अलावा भी जगह फ्री रहती है भाई मेरे पैरों और घुटनों के बीच में। मतलब उस बाइक की सीट हाइट ना भाई काफ़ी कम है, तो भाई 5 फीट हाइट वाले बंदों के लिए वो बाइक ना भाई बड़ी मस्त है, मतलब अच्छी बाइक है, लाइट वेट है 125 CC में। और भाई अभी जो नया मॉडल आ रहा है वो तो आप लोगों को पता ही होगा भाई, इससे पहले मॉडल नहीं आया था नया, है ना। तो वो जो नया मॉडल है भाई, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, कभी अपन उसको भी लेके आएंगे, अपना दोस्त खरीदने वाला है। बाकी भाई जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि इसके अपन फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर की टॉप स्पीड बताने वाला हूँ मैं आपको, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले ये अपन ने गियर डाउन किए, जो है देखो न्यूट्रल दिखा रहा है यहाँ पे, गौर से देखिए, ठीक है। पहले गियर की स्पीड, दूसरे और तीसरे गियर तक की स्पीड, टॉप स्पीड नापेंगे भाई अपन, इससे ज़्यादा नहीं अभी, है ना। ये गियर डाला 32, पहले गियर की 32, दूसरे की 61 भाई, तीसरे की भाई 84, चौथे में तो भाई 101 चली गई भाई, 101 तक चली गई भाई चौथे में भाई। और क्या लोगे चौथे गियर में भाई, बाइक 101 जा रही है भाई, और क्या लोगे हाँ। बाकी भाई अपन इसका टॉप स्पीड का जो वीडियो है कभी और बनाएंगे, है ना। आज सिर्फ मैं आपको बताने वाला था कि भाई पावर बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको बाइक का, कि कितना पावर है भाई बाइक में। देख रहे हो 125 CC चौथे गियर में 100 की स्पीड जा रही है भाई, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। सच बताऊँ ना मैं आपको, मैंने जिस रोड पे वीडियो बनाया है ना भाई, उस रोड पे थोड़े से बम्प्स वगैरह थे, गड्ढे वगैरह थे, थोड़ी सी रेत वगैरह थी, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग गया, है ना। बाकी भाई 100 टच करना कोई बड़ी बात नहीं है बाइक के लिए, है ना। तो भाई बाइक बहुत ही शानदार है, तो चलाने में तो भाई बड़ी ही कम्फर्टेबल बाइक है भाई, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है भाई। मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे वाले हिस्से में भी भाई क्रैश गार्ड वगैरह लगवा दूँ, उसके बाद देखेंगे अपन। बाकी भाई वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई,
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जाओ यार सब्सक्राइब मारो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं मार रहे हो भाई, सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो बहुत सारे भर भर के भाई, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना सब्सक्राइब के साथ में, क्योंकि बेल आइकन का बटन अगर आप लोग नहीं दबाओगे तो भाई मेरा वीडियो का अगले आने वाला जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, है ना। और भाई बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताया करो, अच्छा लगता भाई, अच्छी फीलिंग आती भाई, समझ रहे हो ना आप। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड इसके साथ ही, और मिलेंगे आप लोगों से एक बड़े ही तगड़े से धासु से अच्छे से व्लॉग में, है ना। तो आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, घूमते फिरते रहिए, थोड़ा सा सेहत में है तो ना ही है, है ना। बाकी आप लोग अपन लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।